अतुलनीय पराक्रम, असीम वीरता, अमर बलिदान, भारतीय सेनाओं के वीर योद्धाओं और उनके परिवारों का अमर त्याग, ये देश कभी आपका कर्ज चुका नहीं पाएगा। अगस्त 1999, कैप्टन मोहन सिंह रावत 21 आरआर गार्ड्स बटालियन में कुपवाड़ा सेक्टर में तैनात थे। शाम को उन्हें सूचना मिली कि कश्मीर के हफरोदा जंगलों में उग्रवादी घुसे हुए हैं। उनकी पलटन रात भर पैदल चलने के बाद सुबह 6 बजे कॉर्डन लगाने में कामयाब हुई। तब तक उग्रवादियों को भनक लग चुकी थी। एनकाउंटर में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। कैप्टन रावत दो उग्रवादियों को मौत के घाट उतार चुके थे, लेकिन गोलीबारी में अब तक सेना के दो जवान भी शहीद हो चुके थे। कैप्टन मोहन सिंह रावत जब अपने साथियों को उठाने लगे, इतने में ही 10 गज की दूरी पर पेड़ की आड़ में छिपे एक उग्रवादी ने उन पर AK-47 से फर्स्ट फायर खोल दिया। 7-8 गोली मेरे टांग में लग गई और 6-7 गोली मेरे हाथ में और एक मेरे बाएं हाथ की अंगुली में, 2 मेरे छाती में, 2-3 गोली मेरे पेट में। उसके बाद अब मेरे पांव भी मतलब लटक गया नीचे को, मैं गिर गया, हाथ भी गिर गया। उसके बाद जो मेरे इसमें 2 ग्रेनेड थे तो मैंने एक ग्रेनेड निकाला ऐसे मुँह से तोड़ा था, तो एक गोली उसकी मेरे बाएँ हाथ की अंगुली में आ गई। मेरा उसकी गोली लगना, मेरा ग्रेनेड उसके ऊपर छिड़ना, वो भी वहीं पर ख़त्म हो गया। उससे पहले मैंने 2 उग्रवादी खत्म कर दिए थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेहोश कैप्टन मोहन सिंह रावत को उनके साथियों ने जंगल के बाहर इंतजार कर रही एम्बुलेंस में पहुंचाया। उन्हें हेलीकॉप्टर से श्रीनगर हॉस्पिटल लाया गया। 3 दिन के बाद कैप्टन रावत को होश आया। कई महीने अलग अलग अस्पतालों में इलाज के बाद कैप्टन मोहन सिंह रावत ठीक तो हुए, लेकिन वो अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े नहीं हो सके। आज भी कई गोलियां उनके शरीर में हैं और जख्म आए दिन पक जाते हैं। कैप्टन रावत इस हालत में भी देश के लिए लड़ने का हौसला रखते हैं। को खुश नसीब मानता हूँ कि मैं फौज में था। अब फौज में जाने के लिए भी अभी खुश हूँ, अगर मेरा ये हालत नहीं होता तो। कैप्टन मोहन सिंह रावत ने अदम्य साहस और बल से आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। हिंदुस्तान का झंडा शान से लहराता रहे, इस जज्बे के साथ कैप्टन मोहन सिंह रावत जान की बाजी लगाकर भी देश के लिए लड़ते रहे। क्या देश के इन वीर सैनिकों, इनके परिवारों के लिए हम हिंदुस्तानी भी कुछ कर सकते हैं? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। आइए इन सैनिकों के सम्मान में हम भी सेनाओं का झंडा सीने पर लगाकर गर्व से अपना सीना चौड़ा करें और इन सैनिकों की बाजुओं को ताकत दें।